आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये इंसर्ट मेनू के अंदर में इस चार्ट का क्या काम है। लिखता है इंसर्ट चार्ट टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, सर्फेस चार्ट, सम अवेलेबल चार्ट, इस तरह से चार्ट है। तो पावर पॉइंट में हम लोग का चार्ट का जरूरत क्या पड़ता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो किसी चीज़ का कंपेरिजन करना होता है तो वो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ग्राफ के माध्यम से डिनोट करते हैं। किसी सब्जेक्ट का हो, किसी बिजनेस का हो, किस साल में कितना ग्रोथ किया, किस टाइप से कैसे किया, ये हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको चार्ट से डिनोट करते हैं कि किस साल में मेरा कितना ग्रोथ हुआ, कौन सा बिजनेस था, किस प्रोडक्ट का माल कम हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इस सब टाइप का काम करने के लिए हम लोग ग्राफ कहिए या चार्ट कहिए। तो आज के सेशन में इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ट हम बनाएंगे कैसे, उसका सेटिंग सब कैसे करेंगे, उसका डिजाइन कैसे करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे, उसका कलर हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ पहले से स्लाइड सब बनाए हैं, डिफरेंट टाइप से बताते चले हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इस चार्ट के बारे में जानते हैं। तो आप होम में चलिए और यहीं पे न्यू स्लाइड में सपोज कीजिए कि हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, इसी पे आपको चार्ट इंसर्ट करके हम लोग बताएंगे। आप इंसर्ट में चलिए और इंसर्ट में जाके यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। आप जो ही चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप का चार्ट देगा। लिखता भी है इंसर्ट चार्ट, यहाँ पे लिखता है कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक, ये सारा चार्ट आपको डिफरेंट टाइप का चार्ट देता है। हम इसमें से कोई एक पर कंसेप्ट आपको बताएंगे और बारी बारी से आप उसको करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें से कॉलम चार्ट लिए और इसमें से इस टाइप का चार्ट, इस कॉलम में भी डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आपको चार्ट सब दिखता है, आपको जो इसमें से चाहिए वो लीजिए। तो हम पहले यही लेते हैं और इसको आप ओके कीजिए। तो जो ही आप इसको ओके करेंगे तो ये चार्ट के साथ साथ आपको एक्सेल सीट भी देता है। हम लोग एक्सेल पढ़े हैं तो चार्ट का मेन कंसेप्ट एक्सेल का ही रहता है और एक्सेल में ही चार्ट बनाते हैं तो वो कहीं पर दिखता है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक चार्ट एक बना के दिया है, इसमें लिखा है सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, कैटेगोरी कैटेगोरी वन। इसमें हम चाहे तो अपना डाटा भी भर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम किसी मार्क्स का, किसी बच्चे के मार्क्स का या प्रोडक्ट का, जो आपको चाहिए आप इसमें बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं बच्चे लोगों का, आप राम लिखिए। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें श्याम लिखते हैं, मोहन लिखते हैं और रवि लिखते हैं। ये चार स्टूडेंट है, इसका अलग अलग मार्क्स होगा। सपोज कीजिए कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है और बायोलॉजी में क्या है, आप इसके हिसाब से फिर मार्क्स भी भरिए, आपको ये तैयार करने होंगे या डाटा होता है, आप जैसा लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस बच्चे का कितना मार्क्स आया, कैसे डिनोट करेंगे, इसके लिए हम लोगों को डाटा चाहिए। ये बनाए आप इसमें भरिए, ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं, आप इस तरह का बनाइए। तो ये देखिए ये डाटा हम अपना से इसमें भर दिए। तो यहाँ पे चार्ट में दिखा कि राम नाम का आदमी, श्याम नाम का, मोहन और रवि, चार स्टूडेंट का मार्क्स हम कंपेरिजन करके बताएंगे और किसका कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ दिखता है। फिजिक्स के देखिए ब्लू है, रेड है, ये इस टाइप से तो इंडिकेट करता है कि राम का जो मार्क्स आया, सपोज कीजिए फिजिक्स में देखिए तो आपका है 55, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है। इसी तरह से राम का ही केमिस्ट्री में मार्क्स दिखा रहा है आपको, केमिस्ट्री वाले के लिए है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है तो 88 है, तो ये 90 से थोड़ा सा कम है। फिर उसी तरह से आप बायोलॉजी में दिखा रहा है राम का ही 90, तो आपका ये 90 डिनोट करता है। इस तरह से ग्राफ बना के स्टूडेंट के हिसाब से देता है कि किस सब्जेक्ट में इसको कितना मार्क्स आया।
सपोज कीजिए कि इसी जगह पे अगर हम प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट या कस्टमर का नेम या सेलर का नेम लिखे होते हैं तो उसके हिसाब से उसका बना के देता, अब जैसा बनाइए उसके हिसाब से काम करेगा। तो एक चार्ट हमारा सपोज कीजिए कि ये तैयार हो गया, सारे का इंडिकेशन हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम सब आपको करके बताएंगे, तो थोड़े समय के लिए हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ये रहा, हम मैक्सिमाइज किए, जो ही मैक्सिमाइज किए तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपको चार्ट का लेआउट देता है, फिर चार्ट का स्टाइल देता है, आपको रो चार्ट का एरिया बदलने के लिए देता है। तो ये रहा, तो आप यहाँ से भी चार्ट का लेआउट सब बदल सकते हैं। इसके अलावा चार्ट स्टाइल में आप आइए, आपको डिफरेंट टाइप का कलर टाइप का दिखता है, आप इसमें से जैसा लेना चाहे, सपोज कीजिए कि हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ऐसा चार्ट आ गया, ये आपका चार्ट इस रूप से दिखा। फिर इसको खोलते हैं तो ये देखिए बहुत सारा दिखा, आपको जो लीजिए ऑथेंटिक के लिए कोई एक हम आपको ऐसे लेके समझाते हैं। तो ये हमारा चार्ट स्टाइल का कंसेप्ट हो गया। तो जो ही हम चार्ट बनाए तो ये देखिए इसके अंदर में एक लेआउट मेनू बढ़ गया। अब आप अगर चार्ट के बाहर जाते हैं तो आपका लेआउट नहीं दिखेगा, तो आप इस लेआउट में आइए। अब जो ही लेआउट में आए आप यहाँ से समझने का चीज़ है, चार्ट टाइटल, एक्सिस, लीजेंड, डाटा टेबल, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। हम इस सारे स्टेप को बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चार्ट टाइटल का क्या काम होता है, क्यों चार्ट टाइटल का हम लोग यूज़ करते हैं, ग्राफ में इसका क्या काम होता है। ये लिखता भी है, एड रिमूव और पोजिशन द चार्ट टाइटल। तो खोलिए इसको, सबसे पहले नन मतलब नहीं, यह लिखता है सेंटर्ड ओवरले टाइटल, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखता है क्या है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें लिख देते हैं बच्चे लोगों का हम मार्क्स शीट बनाए हैं, अब लिखिए, जो ही मार्क्स शीट लिखे ये देखिए हमारा चार्ट में ही दिखता है। अब लिखता है, खोलिए इसको, एवव चार्ट, जो ही इसको क्लिक करेंगे कि देखिए चार्ट के ऊपर में आ गया। ये हमारा चार्ट टाइटल का कंसेप्ट होता है कि अगर आप किसी चार्ट बनाए हो और उसमें आपको टाइटल देना है तो आप चार्ट टाइटल में जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आइए, एक्सिस टाइटल, ये भी लिखता है एड रिमूव और पोजीशन द टेक्स्ट यूज्ड टू टेबल लेवल ईच एक्सिस, खोलिए इसको और लिखता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, नन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखता है टाइटल एवव बिलो एक्सिस, यहाँ पे लिखता है सपोज कीजिए कि नीचे में लिखता है एक्सिस टाइटल, तो इसमें हम लोगों का स्टूडेंट सपोज कीजिए कि हम लोग नेम लिखते हैं, तो ये हो गया। अब इसी को जब हम लोग खोलेंगे तो फिर से लिखता है नीचे में आइए प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं आपको जो चाहिए, रोटेट टाइटल चाहे जैसा वर्टिकल टाइटल चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो या इसी को खोलिए तो यहीं पे देता है, आप बिलो कर लिए, अब इसी में हम लोग रोटेट या वर्टिकल करते हैं, तो ये दिया। अब इसी के अंदर सपोज कीजिए हम लिखते हैं ये हम लोगों का टोटल मार्क्स को डिनोट करता है, आप इसको मिटा भी सकते हैं यहाँ से, और सपोज कीजिए कि हम लोग टोटल को इंडिकेशन करता, आप इस टाइप से लिखे और ऐसे दिखाया। तो ये हमारा चार्ट टाइटल के अंदर में इसका आपका वर्टिकल है, ओरिजेंटल है, रोटेट है, आप जैसे चाहिएगा आप यहाँ से इस रूप से हम लोग ले सकते हैं। ये हमारा आपका एक्सिस टाइटल का कंसेप्ट होता है। फिर लीजेंट में आते हैं, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स, ये हमारा लीजेंट बोलते हैं, ये आपको किधर चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खोलिए और लिखता है सो लीजेंट एंड राइट, राइट तो है ही, ये भी लिखता है सो लीजेंट एंड टॉप, आप अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पे ऊपर में आ गया मतलब टॉप में आ गया। फिर से लीजेंट खोलिए, आप इसको लेफ्ट में लीजिए, ये देखिए आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में आ गया। फिर से लीजेंट खोलिए, यहाँ से लिखता है लीजेंट एट बॉटम, तो सबसे नीचे में आ गया। फिर से लिखता है एट राइट या ओवरले लीजेंट एट लेफ्ट, तो ये देखिए इस टाइप से आपको दिखा। तो हम चार्ट के लीजेंट को डिफॉल्ट राइट में रखते हैं तो आपका यहाँ राइट में दिखा। तो ये हमारा लीजेंट का कंसेप्ट रहता है, या लीजेंट का यूज करिए, आप जिधर चाहे उसको ले आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डाटा लेवल्स, फिर वही लिखता है
डाटा लेवल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो खोलिए सेंटर्ड। सपोज कीजिए कि हम सेंटर लेते हैं, तो ये देखिए सब डाटा आपका जो भी जिसका मार्क्स है उस पर आ करके उसको सेंटर में दिखता है। फिर खोलिए, फिर लिखता है इनसाइड इंड, तो ये देखिए इनसाइड इंड के हिसाब से आपको दिखता है। फिर आप इसको खोलिए और इनसाइड बेस, ये देखिए मतलब नीचे में सबका मार्क्स दिखेगा, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आप लाए हैं दिखता है। फिर आप इसमें चलिए और आउटसाइड इंड लिखता है, तो आपका आउटसाइड इंड में दिखेगा। तो आप जैसा रखना चाहे आप इसमें ये लेवल में जा करके नन कर दीजिएगा तो हट जाएगा। फिर उसके बगल में है डाटा टेबल, ये भी लिखता है एड ए डाटा टेबल टू द चार्ट, तो आप खोलिए। अब अगर आप चाहते हैं कि सो डाटा टेबल दिखे तो आपका नीचे में देखिए डाटा टेबल दिखता भी है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो देखिए यह लिखता है सो डाटा टेबल विथ लीजेंड की, तो उसके हिसाब से आपको दिखता है कौन सब्जेक्ट का कितना मार्क्स है, और अगर नहीं चाहिए तो नन कर देते हैं। ये हमारा डाटा टेबल का रहता है। इसके बगल में फिर दिखता है एक्सिस, प्राइमरी ओरिएंटल एक्सिस, ये लेफ्ट रेशियो लेफ्ट टू राइट एक्सिस है। तो आप इसको जो ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम बनाए ही थे, यहाँ पे वही चीज़ दिखता है। फिर आपको आप इसमें जैसा लेना चाहे थाउजेंड से तो थाउजेंड के हिसाब से यहाँ पे देखिए दिखता है। तो ये हमारा जैसे आप यूज करना चाहे, नहीं करना चाहिएगा तो नहीं करेगा। आप इसको राइट टू लेफ्ट एक्सिस करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, मतलब इस साइड आपके आ गया। नहीं चाहिए तो फिर हम लोग इसको नन कर लीजिए, और नीचे वाले पे भी खोल के हम लोग नन कर लेते हैं तो आपका हट जाएगा। तो इस टाइप से हमारा एक्सिस का कंसेप्ट रहता है। या आप इसको फिर अंडू करिए तो एज इट इज जैसे था वहाँ पे आपका इसके हिसाब से ये आ जाएगा। अब इसी में है ग्रिड लाइन, लिखता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन मेजर ग्रिड लाइन, आप क्लिक करिए तो मेजर ग्रिड लाइन आपको इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देगा। फिर माइनर ग्रिड लाइन, तो ये देखिए इस टाइप से आपका ग्रिड लाइन इसमें लग लग के दिखाएगा। फिर आप इसको मेजर एंड माइनर दोनों सेट कीजिएगा तो आपको ऐसे आएगा। फिर हम लोग इसमें से इसको नन कर देते हैं, फिर ग्रिड लाइन खोलते हैं और प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन में फिर मेजर माइनर सब दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हम लोग माइनर ग्रिड लाइन लेते हैं तो ऐसे आपका इसमें आ जाता है। तो ये हमारा ग्रिड लाइन का कंसेप्ट रहता है। तो इस टाइप से आप चार्ट बना के जैसे जैसे जो जिसमें चाहे आप ले सकते हैं। फिर इसमें देता है प्लॉट एरिया, सो प्लॉट एरिया लिखता है, तो ये देखिए जो भी डाटा हम बनाए हैं उसके हिसाब से आपको दिखता है। फिर आपको यहाँ लिखता है नन कर दीजिएगा तो हट जाएगा। यहीं पे ट्रेड लाइन है, इरर बार्स दिया है, सारा का आप यूज करके देख सकते हैं। ये लीनियर ट्रेड लाइन करके देखिए, और फीस का देखना चाहते हैं तो आपका फीस का दिखाया। आप फिर खोलिए, आप लीनियर लेना चाहते हैं या एक्सपोनेंशियल लेना चाहते हैं, हम केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का हमको दिखाएगा। फिर से आप इसी में चलिए या टूल लीजिए, हम बायोलॉजी का करना चाहते हैं तो हमारा बायोलॉजी का दिखाएगा। इस टाइप से आप जैसे चाहें, आप ट्रेड लाइन में चाहते हैं, नहीं चाहिए तो फिर हम नन कीजिए, सारा हट जाएगा। फिर इरर बार का वही कंसेप्ट है, इरर बार भी बार विथ स्टैंडर्ड इरर, तो ये देखिए लगा दिया। फिर इसमें आपको यहाँ इरर बार्स विथ परसेंटेज के हिसाब से है तो देखिए लगा दिया। तो यहाँ पे इरर बार जैसे करिएगा लगा देगा, और नहीं चाहिए तो आप नन कर दीजिए। तो ये आप कह सकते हैं कि एक चार्ट बना के इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग देखें। तो ये चार्ट के लेआउट का कंसेप्ट रहता है। तो जो भी आप चाहे या प्लॉट एरिया में जो भी आप यहाँ पे लेना चाहेंगे ये आपका देता है। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। तो आप फिर से इसके डिजाइन में चलिए, और यहीं पे लिखता है चेंज टाइप सो कॉलम विड्थ लिखता है। आप अगर यहीं से चाहते हैं कि हमारा कोई दूसरा चार्ट, सपोज कीजिए कि लाइन चार्ट ले ले, आप अगर कीजिए तो इसी का ये लाइन चार्ट बना के दिया। अगर आप यहीं से चाहते हैं कि नहीं हमको पाई चार्ट समझना है, पाई चार्ट में फिर कैसा लेना है तो ये लेना है, तो आप इसको क्लिक कीजिए तो आपका ही पाई चार्ट हाजिर है। तो यहीं से आप एक डाटा बना के, बार चार्ट है, स्टैक है, ये देखिए जिस टाइप से आपको चार्ट लेने हैं
सपोज कीजिए कि स्ट्राइक लेते हैं या इस टाइप से लीजिए और ओके कीजिए, तो ऐसे बना के देगा। तो आप जैसा चाहे फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ बदल देंगे, फिर आपके हिसाब से यहाँ से कलर सब आ जाएगा, आप जो जैसे लीजिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा चार्ट का रहता है। फिर से इसमें दिए हुए हैं स्विच रो कॉलम, आप कर सकते हैं। ये देखिए उलट गया, इधर नाम आ गया, इधर आपका ये सब आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसको अंडू कर दीजिए तो आपका ऐसे रहेगा। तो जैसे आप करिए, यदि डाटा करना चाहते हैं तो आप डाटा भी कर सकते हैं। तो इतना बनाए तो ये आप डाटा ले आइए और चार्ट टाइप में सपोज कीजिए। फिर से हम लोग इसमें एक कॉलम चार्ट में ऐसा करके देख लेते हैं। तो ये तो बना है। अब सपोज कीजिए कि हम किसी का इसमें और सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट का नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आप इसमें करिए। अब सपोज कीजिए कि हम रवि के जगह पे हम लोग रामू एक लिखते हैं। ये देखिए रामू लिखिए। अब उस सब का मार्क्स बढ़ाते चलिए। जो ही आप इसमें बढ़ाएंगे तो एक देखिए आपका जुट गया। आप सब्जेक्ट का मार्क्स भी बढ़ाइए। सपोज कीजिए कि बायोलॉजी के बाद हम लोग मैथ ले लेते हैं और उस मैथ में भी आप इसको बढ़ाइए। ये लीजिए, आप जैसे करके देखेंगे तो आपके उसके हिसाब से चार्ट पे इफेक्ट आपको देखेगा। ये देखिए हम जो ही इसमें बढ़ाए तो हमारा एक स्टूडेंट का नाम जुट भी गया, उसका सब्जेक्ट का मार्क्स जुट गया और उसके हिसाब से सारा हमको यहाँ पे करके दिखाता है। तो इस तरह से आप इसका लेआउट बदल के जैसे जो चाहे हम लोग कर सकते हैं। तो बाद में भी आप इसमें एंट्री करिएगा तो हमको इंडिकेट करके दिखाएगा। तो ये हमारा चार्ट का कंसेप्ट रहा। तो ये आप एक्सेल के अंदर में बनाते ही हैं, प्लस पावर पॉइंट के अंदर में रहते हुए भी हम लोग चार्ट कैसे बनाएंगे, ये हमारा चार्ट का कंसेप्ट रहता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका क्या काम है, आप कैसे यूज करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ का कंसेप्ट रहा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।